मध्य प्रदेश में इन दिनों जुआ सट्टा पर नकेल कसी जा रही है। आज खनिया थाना में पुलिस ने पुरानी आदिवासी बस्ती में चल रहे अवैध सट्टे के कारोबारी शरीफ खान उर्फ खुजली भगवत यादव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से सट्टे की पर्चियां नकदी रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को आरोपी बनाया है। ये आरोपी लंबे समय से सट्टे के कारोबार से जुड़े थे और लंबे समय से खनिया थाना में सट्टे का व्यापार चला रहे थे। फिलहाल एक आरोपी जिसकी पुलिस के छापे के बाद से फरार है, साथ ही पुलिस इसकी तलाश में लगी है। पुलिस का कहना है कि पुलिस को कई दिनों से सट्टा खिलाने की जानकारी मिल रही थी। इस पर खनिया थाना प्रभारी उपेंद्र शर्मा और उनकी टीम लगातार नजर बनाए हुए थी। सूचना के बाद खनिया थाना पुलिस ने पूरी प्लानिंग की, छापा मारा। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक मुख्य आरोपी फरार है। काफी दिनों से जनता और मीडिया द्वारा जानकारी मिल रही थी कि सच में साहब अवैधानिक रूप से लोग बाहर के आकर सट्टा संचालित कर रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी उनकी आदि हो रही है। इसके संबंध में आज मीडिया के द्वारा और मुखिया के द्वारा जानकारी मिली कि दो लोग व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ सट्टा संचालित कर रहे हैं। इस पर दबिश के द्वारा पुलिस के सदस्य उनको पकड़ा गया और सट्टे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग पकड़े गए हैं? इसमें दो लोग हैं, एक खुजली और शरीफ खान है, एक भगवत यादव है जो मायापुर की निवासी है। बरामदी की गई है कुछ चीज़ें? जी जी, उसकी चल रही है अभी, खुल गई है, जब्ती वगैरह कर रहे हैं अभी, पूरा दिन में होगा। इस तरह से बताया जा रहा है कि एक और कोई साथी था वो भाग गया है? ऐसी अभी तो कोई नहीं, दो लोग मौके से पकड़े गए, तीसरा तो कोई नहीं मिला।